그렇습니까? 화빈자가 잠시 형이 거인은 होंग द्यूक को किम योन से पता चलता है कि होंग द्यूक मर चुका है। उसकी मौत का सुनकर सोंग द्यूक अकेली बैठी रो रही होती है तो किम जोंग उसे रोता देखकर उसे पूछता है कि वो क्यों रो रही है। वो उसके हाथों को पकड़कर पूछता है कि उसके हाथ ठीक हैं। फिर वो उसे पूछता है कि क्या हुआबिन ने फिर से उसके साथ कुछ ऐसा किया जिस वजह से वो रो रही है। वो उसे कहता है कि उसे अकेले रोने की इजाज़त नहीं। वो चाहता है कि सोंग द्यूक सिर्फ उसके सामने रोए ताकि जब भी वो रोए तो वो उसे तसल्ली दे पाए। सोंग द्यूक बताती है कि हुआबिन ने उसके साथ कुछ नहीं किया। उसे पता चला कि होंग द्यूक मर गया है। जब उसने उसके बारे में सोचा तो उसे रोना आ गया। किंग जोंग उसे कहता है कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसने अपनी दादी की बुक रीड की जिसे पढ़ना मना था। किसी ने उस बुक से पेज फाड़कर उसकी जान बचाई तो पूछता है कि वो तुम थी। सोंग द्यूक कहती है कि अगर वो होती तो क्या, वक्त गुजर चुका है, सब बदल चुका है, तो गुजरे दिनों की बातें याद करने का क्या फायदा। तभी किंग जोंग को पता चलता है कि वो सोंग द्यूक ही थी और कहता है कि वो उससे माफी नहीं मांग सकता क्योंकि उसने एक बादशाह की हैसियत से काम किया, इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं। अगर उसे फिर से सोंग द्यूक को तकलीफ पहुँचानी पड़ी तो वो पहुँचाएगा, लेकिन वो ये मत सोचे कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं। जब वो रोती है तो उसके दिल को भी बहुत तकलीफ होती है, इतना कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो उसे कहता है कि वो माफी तो नहीं मांग सकता पर वो उसे थैंक्स बोल सकता है। हर वक्त उसकी जान बचाने के लिए वो उसका शुक्रिया अदा करता है। ये कहते ही वो सोंग द्यूक के चेहरे को छूने की कोशिश करता है पर उसके चेहरे पर उदासी देखकर नहीं छूता और उससे पूछता है कि क्या वाकई कोई रास्ता नहीं रहा, क्या सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा पहले था। एक बार फिर से किंग जोंग ने अपनी फीलिंग्स उसके सामने रख दी। अब देखते हैं कि सोंग द्यूक उसकी फीलिंग समझ पाती है कि नहीं। सोंग द्यूक कुछ नहीं बोलती। उसे चुप देखकर किंग जोंग वहां से जा रहा होता है तो सोंग द्यूक इस बार किंग जोंग को जाने से रोकती है। किंग जोंग ये समझता है कि शायद सोंग द्यूक को उसकी फीलिंग्स का एहसास हो गया है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। किंग जोंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आप सब भी किंग जोंग की तरह यही समझ रहे होंगे कि शायद सोंग द्यूक को उसकी फीलिंग्स का एहसास हो गया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। गले लगाने के बाद किंग जोंग उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ तो क्या तुम आओगी। सोंग द्यूक कहती है कि अगर ये तुम्हारा हुक्म है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। किंग जोंग कहता है तो क्या तुम मेरे पास आने के लिए तैयार हो। सोंग द्यूक कहती है कि शायद मैं ऐसा चाहती हूँ लेकिन मैं जिस पोजीशन में हूँ वैसे ही रहना पसंद करूँगी। किंग जोंग कहता है कि मैं जानता था तुम ऐसा ही कहोगी। किंग जोंग को सोंग द्यूक के इनकार सुनने की आदत सी हो गई है, इसलिए वो उसका जवाब सुनकर हैरान नहीं होता। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अगर इसकी जगह कोई और बादशाह होता तो इसका सर कब का कलम हो चुका होता। सच में क्या बादशाह था ये, काश ऐसा बादशाह आज भी जिंदा होता। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ वो बिन क्वीन जंगसून के पास जाती है। वो परेशान है क्योंकि वो माँ नहीं बन पा रही। वो क्वीन जंगसून के पास जाती है उसकी हेल्प लेने क्योंकि उसे डर है कि अगर वो किंग जोंग के साथ फैमिली आगे नहीं बना पाती तो उसे छोड़ दिया जाएगा। सोंग द्यूक अपने भाई सोंग सिक से मिलने महल से बाहर आती है। वहीं वो किंग जोंग के ख्यालों में खोई होती है। सोंग सिक भी आ जाता है। दोनों बहन भाई शॉपिंग करने लगते हैं तो सोंग सिक उसे बताता है कि वो किंग जोंग का बॉडीगार्ड बन गया है। सोंग द्यूक ये सुनकर बहुत खुश होती है कि उसका भाई भी उसके बाप की तरह मिलिट्री ऑफिसर बन गया है। क्वीन जंगसून का भाई बीमार है जिसे किंग जोंग की गद्दारी की वजह से महल से निकाल दिया गया था। क्वीन जंगसून किंग जोंग से कहती है कि उसके भाई को माफ कर दे और उसे कैपिटल में जाने की इजाज़त दे, पर किंग जोंग अपने फैसले पर कायम है। वो उसे साफ मना कर देता है क्योंकि होंग द्यूक से सबक सीखने के बाद
वो फिर से वो गलती नहीं करना चाहता। वो रिश्तेदारों और उन लोगों को काम पर नहीं रखना चाहता जिन्होंने उसे धोखा दिया। वो क्वीन जंगसून को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन जंगसून उसकी बात नहीं सुनती और उसे अपना दुश्मन समझती है। वो उसे कहती है कि उसे उम्मीद है कि उसके भाई को कुछ नहीं होगा और उसे रात को वोबन से मिलने का भी बोलती है। लगता है क्वीन जंगसून के दिमाग में कोई तो खिचड़ी पक रही है। शायद किंग जोंग के इनकार से वो वोबन के साथ हाथ मिला ले। क्वीन जंगसून सोंग दियुक को अपने महल बुलाती है बुक रीड करने। वो उससे एक बार फिर से कहती है कि वो उसके लिए काम करे क्योंकि वो उसे पसंद करती है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है, पर सोंग दियुक उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसका वही जवाब है जो पहले था। सोंग दियुक के इनकार से क्वीन जंगसून निराश हो जाती है। किंग जोंग के बाद सोंग दियुक ने भी क्वीन जंगसून को हर्ट किया। अब देखते हैं कि इसका गुस्सा आखिर किस पर उतरेगा। सोंग दियुक क्वीन जंगसून के महल से बाहर निकलती है तो वोबिन की नौकरानियां सोंग दियुक को पकड़ कर घुटने टेकने पर मजबूर करती हैं। सोंग दियुक उनसे ऐसा करने की वजह पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिस वजह से उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। वोबिन उसे कुछ नहीं बताती और अपनी नौकरानियों के साथ सोंग दियुक को पकड़ कर ले जाती है। दूसरी तरफ देर रात काम करने के बाद जब किंग जोंग वोबिन के महल आता है तो उसे वोबिन से पता चलता है कि क्वीन जंगसून यहाँ आई हुई है। मतलब ये कि अमीर का गुस्सा एक गरीब पर ही निकल सकता है, समझ तो गए होंगे आप। किंग जोंग जब अंदर जाता है तो सोंग दियुक को वहाँ घुटनों के बल बैठा देखकर चौंक जाता है और कहता है कि सोंग दियुक यहाँ ऐसे क्यों बैठी है, ऐसा लग रहा है कि आप इससे पूछताछ कर रही हो। क्वीन जंगसून कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मैं बस सवाल करने ही वाली थी। किंग जोंग पूछता है कि इल्ज़ाम क्या है। क्वीन जंगसून बताती है कि उसे वोबिन ने बताया कि सोंग दियुक किसी और लड़के के साथ रिलेशन में है, जबकि कोल्ड लेडी को ये करने की इजाज़त नहीं। किंग जोंग उससे सबूत मांगता है। क्वीन जंगसून वोबिन को सबूत पेश करने का कहती है तो वो क्वीन जंगसून के सामने ग्लव्स रखती है जो उसे उसके भाई ने दिया था। किंग जोंग उस ग्लव्स को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपने आंखों से देखा था कि सोंग सिक सोंग दियुक को ये ग्लव्स पहना रहा था, पर वो ये नहीं जानता कि वो उसका भाई है। क्वीन जंगसून सोंग दियुक से पूछती है कि क्या ये सच है, क्या वो सच में रॉयल गार्ड से मिलती है। सोंग दियुक सब मान लेती है कि उसने ये सब किया, पर वो उन्हें ये नहीं बताती कि वो उसका भाई है क्योंकि वो अपने भाई की पहचान क्वीन जंगसून के सामने नहीं लाना चाहती। उसे फिक्र है कि उसका भाई अपनी पोजीशन खो देगा जो उसे अभी मिला है। वो बिन किंग जोंग को बताती है कि सोंग दियुक उस आदमी से रेगुलरली मिलती है और उसके लिए मेडिसिन और खाने भी ले जाती है, और कुछ दिन पहले ये उस आदमी से अकेले महल से बाहर मिलने गई थी। क्वीन जंगसून एक बार फिर से सोंग दियुक से पूछती है कि क्या ये सच है, क्या वो मानती है कि वो उस आदमी से मिलती है और उसके लिए गिफ्ट्स और लेटर भी ले जाती है। सोंग दियुक फिर से सब मान लेती है। क्वीन जंगसून कहती है कि अगर तुम एक कोल्ड लेडी के हैसियत से अपना फर्ज भुला कर किसी और लड़के के साथ ताल्लुक रखती हो तो इसकी सजा मौत है। ये सुनकर किंग जोंग क्या कहता है खुद ही सुन लें। मामा, क्वीन जंगसून किंग जोंग को गुस्से में देखकर कहती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, जिसके बाद वो सबको बाहर जाने का कहती है। सबके जाने के बाद क्वीन जंगसून कहती है कि तुम बादशाह हो, थोड़ा लालची हो सकते हो, मुझसे पूछो कि तुम क्या चाहते हो। मैं देख सकती हूँ कि तुम उसकी शिद्दत से ख्वाहिश करते हो, तो क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाओगे। पर किंग जोंग उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है ये कहकर कि अगर वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से उसे बचाता है और उसूलों के खिलाफ हो जाता है तो उसे लोगों का सामना करने में शर्म आएगी। वो ऐसा बादशाह नहीं बनना चाहता जिसे लोगों का सामना करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। किंग जोंग का जवाब सुनकर क्वीन जंगसून उससे मुतासिर होकर हंस पड़ती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि ये वाकई एक अच्छा बादशाह है और कहती है कि मैंने सोचा कि तुम वाकई उसकी परवाह करते हो, लेकिन अगर वो मर जाती है तो क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी।
किंग जोंग उसे बताता है कि उसे यकीन नहीं आता कि उसने खुद को इस तरह के रिश्ते में शामिल किया होगा, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। क्वीन जंगसुन कहती है कि वो बहुत बोला है, उसे सच में ऐसा लगता है कि 700 कोर लेडीज सिर्फ उसे ही पसंद करती हैं और किसी को नहीं। किंग जोंग कहता है कि हो सकता है वो उस आदमी के लिए फीनिक्स करती हो, कोई भी राजा इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो दूसरों की भावनाओं पर हुक्मरानी कर सके। क्वीन जंगसुन उसे बताती है कि वो उससे अलग है, अगर वो किसी से प्यार करती है और वो उसका नहीं हो सकता तो वो उसे तबाह करना पसंद करेगी। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे फैसले को समझ गई हूँ, कोई भी बादशाह एक कोल्ड लेडी को नहीं बचा सकता, बस बैठो और देखो कि कैसे वो अपने मौत का सामना करती है। ये कहते ही वो गुस्से से सोंग द्युक को बुलाती है तो सोंग द्युक बिन हो के साथ आती है। दरअसल लेडी सुई ने ही बिन हो को बताया था, जब उसे सोंग द्युक के दोस्तों से पता चला कि सोंग द्युक को महल के गार्ड के साथ पकड़ा गया तो वो भागते हुए बिन हो के पास गई सोंग द्युक को बचाने के लिए, क्योंकि लेडी सुई के बाद बिन हो भी ये बात जानती थी कि वो सोंग द्युक का भाई है, इसलिए वो वहाँ आती है सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने। सोंग द्युक के साथ बिन हो को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। क्वीन जंगसुन बिन हो से यहाँ आने की वजह पूछती है तो बिन हो कहती है कि वो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने आई है, वो जानती है कि सोंग द्युक को एक लड़के के साथ पकड़ा गया है। क्वीन जंगसुन उसे बताती है कि उसे हुआबिन ने बताया और सोंग द्युक ने इस बात से इनकार भी नहीं किया। बिन हो बताती है कि जिस लड़के के साथ इस पर इल्जाम लगाया गया वो रॉयल गार्ड और कोई नहीं सोंग द्युक का भाई है। ये सुनकर हुआबिन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका नाम सोंग सिक है, सरनेम एक है, पर इससे ये साबित नहीं होता कि ये एक ही खानदान से हैं। बिन हो बताती है कि वो इसलिए क्योंकि उसने सोंग द्यु को अडॉप्ट किया था, और फिर सबको सच बताती है कि सोंग द्यु का फादर प्रिंस साधु के वफादार गार्ड में से एक था। जिस साल प्रिंस साधु का इंतकाल हुआ तो उसी दिन सारे गार्ड्स को भी मार दिया गया था। ये वो वक्त था जब उसने सोंग द्यु को बचाया और एक कोल्ड लेडी बनाया, और वो आदमी जिसका नाम सोंग सिक है वो इसका बड़ा भाई है। सच जानने के बाद किंग जोंग खुश होकर सोंग द्यु से पूछता है कि वो तुम्हारा भाई था, तुमने हमें ये सच क्यों नहीं बताया। हुआबिन गुस्से में आकर गलत बात बोल जाती है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा, सोंग द्यु को सजा मिलनी चाहिए। किंग साधु एक गद्दार था और इसका बाप गद्दार का वफादार था, ये गद्दार की बेटी है तो इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। किंग जोंग अपने बाप के बारे में गलत बात सुनकर चिल्लाकर हुआबिन से कहता है कि मैं प्रिंस साधु का बेटा हूँ। हुआबिन को एहसास हो जाता है कि उसने जल्दबाजी में गलत बात कर दी, वो किंग जोंग के सामने घुटने टेक कर रहम की भीख मांगती है। किंग जोंग क्वीन जंगसुन से पूछता है कि वो हुआबिन की बात से सहमत है, क्या उसे भी ऐसा लगता है कि वो बादशाह बनने के काबिल नहीं क्योंकि वो किंग साधु का बेटा है। क्वीन जंगसुन कहती है कि मैं ऐसा नहीं मानती, मेरे इरादों को गलत मत समझो। किंग जोंग बताता है कि उसे सुकून मिला कि क्वीन जंगसुन ऐसा नहीं सोचती, अगर वो भी ऐसा मानती तो उसे बहुत से रुकावटों से निपटना पड़ता, और कहता है कि आपने कहा था जो आपका नहीं हो सकता आप उसे तबाह करना पसंद करोगी, तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं आपको ऐसा कभी करने ही नहीं दूंगा। ये कहते ही वो बाहर जाता है और लेडी सुई को हुक्म देता है कि सोंग द्युक अब से हुआबिन की नौकरानी नहीं होगी और सोंग द्युक को तैयार करके मेरे महल ले आओ। मतलब ये कि किंग जोंग ने उसे अपनी वाइफ बनाने का फैसला कर लिया है, और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आखिरकार किंग जोंग को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा सोंग द्यु को अपनी कॉन्कुबाइन बनाने का। हुआबिन के साथ क्वीन जंगसुन भी अब सोंग द्यु के खिलाफ हो गई थी, अगर किंग जोंग ये फैसला ना लेता तो शायद सोंग द्यु के लिए मसला हो सकता था। चलो देखते हैं कि क्या सोंग द्यु किंग जोंग के फैसले को मानेगी या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।